अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, यहाँ पे मैं चाय बना रही थी अपने लिए। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और अक्सा जो है वो स्कूल जा चुकी है, तो बस अब यहाँ पर मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो मैंने ब्रेड ली है और साथ ही एवोकाडो खाऊँगी। आधा जो है वो हस्बैंड ने खा लिया था, आधा मैं खाऊंगी, और साथ में मैंने चीज़ ले लिया था और चाय। तो बस हम अपना हेल्दी सा नाश्ता जो है वो एंजॉय करते हैं। अच्छा, नाश्ता करने के बाद फिर मुझे बाहर जाना है, थोड़ा सा काम है, तो मैं जाऊंगी वूलवर्थ, क्योंकि अब मैंने सोचा कि अब जो है वो रमज़ान की तैयारी की जाए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया है। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी किचन के लिए, तो मैंने सोचा मैं पहले वो ले लेती हूँ, और फिर जो बाकी बनाने वाली चीज़ें हैं वो तो फिर 2-3 दिन पहले बन जाएंगी। तो अभी मैं वूलवर्थ जा रही हूँ, वहाँ से मुझे फ्रिज के लिए एक जो है वो बॉक्स लेना है, मतलब फ्रीज़र के लिए, ताकि मैं उसमें कुछ चीज़ें मतलब जिप लॉक में डाल के उसमें फिर डाल दूँ, तो उससे बड़ा ईजी रहता है। और साथ ही कुछ जार्स वगैरह चाहिए जिसमें चटनियाँ वगैरह डालूँगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँगी तो वो डालूँगी, वो चाहिए। तो मैं जाती हूँ वूलवर्थ, देखती हूँ क्या मिलता है। अच्छा जी, मैं वूलवर्थ आ गई थी और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो बॉक्सेस थे फ्रिज के लिए। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे जो है वो कौन सा चाहिए अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा जो फ्रिज है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और उसका फ्रीज़र भी जो है वो थोड़ा सा छोटा है। तो बस मैं साइज़ वगैरह देख रही थी कि वो वाला साइज़ लूँ जो कि मेरे फ्रीज़र में जो है वो सही से आ जाए और उसमें चीज़ें भी जो है वो आराम से आ जाए। अच्छा जी, फ्रीज़र के लिए जो कंटेनर मुझे लेना था वो मैंने ले लिया था, और अब यहाँ पे मैं जार्स देख रही थी चटनियाँ वगैरह डालने के लिए। तो ये सेपरेट भी बहुत सारी पड़ी हुई थी, और दूसरा मतलब पैक में भी पड़ी हुई थी। तो बस मैं देख रही थी कि मैं कौन सी लूँ। अच्छा, तो फिर मुझे जो है ना वो एक चार का मतलब पैक मिल गया था, तो मैंने वो ले लिया था। तो बस यहाँ से शॉपिंग कर ली थी, अभी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ली थी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये वाला जो है वो केक टिन दिखा रही हूँ। अच्छा, ये मैंने वूलवर्थ से नहीं लिया था, ये मैं वीकेंड पे अपनी फ्रेंड के साथ गई थी शॉपिंग करने, तो ये मैंने टीके मैक्स से लिया था। अच्छा, टीके मैक्स की शॉप मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उनकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली मुझे वहाँ का होम सेक्शन और जो बैग्स वगैरह होते हैं ना वो मुझे उस शॉप के बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये वाला एक स्क्वायर में केक टिन मिल गया था ब्राउनी वगैरह बनाने के लिए, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और इसकी प्राइस भी 5 यूरो थी जो कि काफ़ी रीज़नेबल था, तो ये मैंने ले लिया था। अच्छा, अभी वूलवर्थ से मैं एक ये वाला लेके आई थी, ये मैंने एक ट्रे लिया है, इसमें जो है वो आप रोल समोसे वगैरह डाल सकते हैं, तो इस तरह की ट्रेज में जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं समोसे और रोल वगैरह। और मेरे पास ज़्यादातर बर्तन जो है वो वाइट कलर में ही है, तो ये उसके साथ सही रहेगी, तो फिर मैंने ये वाली ले ली थी। अच्छा जी, साथ ही ये मैंने मेसन्स जार्स ले लिए थे, ये मुझे जो है वो 4 का पैक मिल गया था 3 यूरो में, तो इसमें जो है वो चटनियाँ और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डालूँगी तो वो सही रहेगा उसमें। और ये वाला जो बॉक्स है ये मैंने फ्रिज के लिए लिया है, मतलब फ्रीज़र के लिए। अच्छा, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो रोल समोसे वगैरह मैं बनाऊंगी वो जिप लॉक में डालूंगी, जिप लॉक बैग्स में डाल के, तो फिर मैं जो है ना वो सब इसमें डाल दूंगी, तो इससे जो है ना वो निकालने में इजी रहेगा, आसानी रहेगी थोड़ी। तो बस ये शॉपिंग की थी मैंने वूलवर्थ से, जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए थी बस वही ली थी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये वाला स्क्रब दिखा रही हूँ, ये मैंने रोस्मान से लिया था। अच्छा, इसमें 3 तरह के थे, एक वाटरमेलन के साथ था और एक एवोकाडो के साथ था और एक ये कोकोनट के साथ था, तो मुझे जो है वो कोकोनट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने कोकोनट वाला लिया था। अच्छा, ये इसलिए लिया था कि हाथ जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही, जब इतने दिन यहाँ पर बारिश नहीं होती ना तो मतलब आपकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, और यहाँ का वेदर जो है वो अक्सर मतलब ड्राई ही रहता है ज़्यादा, तो स्किन वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। अच्छा, होम रेमेडीज़ वगैरह भी करने से जो है ना वो स्किन अच्छी हो जाती है, लेकिन आजकल जो है वो दिन इतने बिजी जा रहे हैं कि उनका टाइम ही नहीं मिलता, तो बस इस तरह की भी एक चीज़ होनी चाहिए कि बस आपने निकाला और स्क्रब वगैरह कर लिया
तो हाथों से जो डेड स्किन वगैरह होती है ना वो रिमूव हो जाती है, तो हाथ जो है ना बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं। आजकल जो है ना मेरे हाथ इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम किस्म के जो है ना वो ड्राई हो रहे हैं, बाकायदा से जो स्किन निकल रही होती है ना उस तरह से हो रहे हैं, मतलब फिंगर्स के बीच में से। तो आज तो मैंने सोचा मैंने अपने हाथों का कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, तो बस हाथों को मैंने थोड़ी देर नीम गर्म पानी में डिप कर लिया था, और पानी में मैंने सिर्फ हैंड सोप डाला था थोड़ा सा, और थोड़ी देर मैंने उसको डिप किया, और अब मैं ये वाला स्क्रब जो है ना इसके साथ स्क्रब कर दूँगी। तो 5 मिनट तक जो है मैंने रब किया था अच्छे तरीके से। अच्छा, साथ साथ मैं थोड़ा सा पानी भी लगाती जा रही थी ताकि वो जो स्क्रब है ना वो आपके हाथों पे हार्श ना हो। बस इसी तरह से मैंने दोनों हाथों पे जो है वो स्क्रब कर लिया था, तो जो डेड स्किन थी वो रिमूव हो गई थी और हाथ बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे। तो अब यहाँ पे उसके बाद मैं जो है वो हैंड क्रीम लगा दूँगी। तो ये भी रोसमान से ली है, इसमें हैंड और नागल क्रीम लिखा हुआ है, मतलब नेल्स के लिए भी अच्छी है। तो बस ये मैंने अपने हाथों पे लगा ली थी हैंड क्रीम, और साथ ही मैंने जो है वो एक नेल पेंट लगा लिया था। तो बस हाथ अच्छे से साफ़ हो गए थे तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए नेल पेंट लगा लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो हस्बैंड जो है वो पालक लेके आए थे अल्डी से, बड़ी फ्रेश पालक मिली थी। अच्छा, हमारे यहाँ जो अल्डी है ना वहाँ पर हर दफ़ा इतनी फ्रेश पालक नहीं मिलती, तो आज अच्छी मिल गई थी और बड़ा पैकेट मिला था, तो मैंने हाफ़ बनाई थी और हाफ़ को फिर मैंने जो है वो फ्रीज़ कर लिया था। तो वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने फ्रीज़ किया था। अभी मैं आपको ये वाला ऑयल दिखा रही हूँ जो कि है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि यहाँ पे जो है वो शदीद किस्म वाली ऑयल की कमी चल रही है जर्मनी में। तो नॉर्मली जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल, वो सनफ्लावर या फिर वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वो नहीं मिल रहा, उसका स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है। और ऑलिव ऑयल और ये वाला मस्टर्ड ऑयल जो है वो मिला था हमें, तो हमने यही ले लिया था। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स को पता चला था तो उन्होंने पहले ले लिया, मतलब हमें जो है वो बाद में पता चला, तो बस तब तक ख़त्म हो चुका था शॉप्स पे। तो बस फ़िलहाल इन पे ही जो है वो गुजारा करना है, और बस थोड़ा थोड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ जब तक जो है वो ऑयल जो है वो स्टॉक में आ जाए, तब तक जो है वो थोड़ी सी किफ़ायत शुआरी के साथ जो है ना वो ऑयल को यूज़ करना है। तो बस यहाँ पर मैं आलू पालक बना रही थी, तो आलू मैं थोड़ी देर पहले डाल देती हूँ और पालक जो है वो थोड़ी देर बाद डालती हूँ, क्योंकि पालक जो है वो जल्दी गल जाती है। अच्छा जी, सालन मेरा रेडी हो चुका था, तो अभी मैं रोटियाँ बना रही थी। अच्छा, मेरे तवे के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये तवा मैंने यहाँ पे जेगमुलर मार्केट है वहाँ से लिया था, जिस तरह बड़ी मार्केट्स होती है ना, आइकिया, हॉफनर और रोलर हो गया, इसकी तरह जो है वो यहाँ पे जेगमुलर मार्केट है, तो मैंने वहाँ से लिया था। और ये काफ़ी पुराना है, इसको 3 साल हो चुके हैं, और ये वाला तवा जो है ना वो काफ़ी हैवी तवा है, मतलब मैंने 15 से 16 यूरो का लिया था। अच्छा, बाकी शॉप्स पे भी आपको मिल जाते हैं नॉर्मली, लेकिन और वो सस्ते भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही मतलब हल्के होते हैं, वो फिर उससे आपकी रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती। अगर मतलब तवा हैवी और थिक हो तो फिर आपकी रोटी अच्छी बनती है। तो मेरा तवा जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा निकला है। ये है कि मतलब अब थोड़ा सा पुराना हो गया, क्योंकि जाहिर सी बातें पराठे वगैरह बनते हैं तो तवे ने ऐसा ही हो जाना होता है, लेकिन मतलब रोटी अच्छी बनती है इसमें, पराठे रोटी जो है ना वो अच्छी बनती है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे तवे के बारे में, मैंने सोचा आज मैं जो है वो थोड़ा सा डिटेल से बता ही देती हूँ अपने तवे के बारे में। अच्छा, इसको जर्मन में जो है वो क्रेपफाने कहा जाता है, तो आप लोग जो मेरी सिस्टर्स यहाँ पर रहती हैं तो आप ये वाला नाम सर्च करके जो है वो ले सकती हैं तवा, तो वो इसी तरह के होते, आप रोटी वगैरह उसमें बना सकती हैं। बस जी, यहाँ पे हमारा सिंपल सा जो डिनर है वो रेडी हो चुका था, आलू पालक, रोटियाँ और सैलेड। तो बस अभी हम लोग डिनर एंजॉय करेंगे। साथ ही मैंने पालक जो है वो जो दूसरी थी वो मैंने धो के रखी हुई थी, अब इसका पानी रिंस हो जाएगा तो फिर मैं इसको जो है वो ड्राई करूँगी और फिर फ्रीज़ करूँगी। तो बस डिनर करने के बाद फिर मैं आ गई थी, और इसको जो है मैं अभी करूँगी पेपर टॉवल के साथ टेप ड्राई, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाता है तो फिर ये ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। तो बस अभी मैं इसको जो है वो टेप ड्राई करूँगी, और उसके बाद फिर मैं इनको जिप लॉक्स में डाल दूँगी, और बस फिर मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी, तो उससे ये होगा कि थोड़ी सी सेव रहेगी। तो बस जी, आज का व्लॉग यहीं तक का था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।